बहनों और भाइयों, मैंने आज बहुत बहुत मज़ेदार मैक्रोनी बनाई है, यखनी वाली बनाई है, तो बहुत मज़े की बनी है। और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही गर्मी हो गई थी, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो जाएगा। तो ये इतनी प्यारी मज़ेदार सी यखनी वाली चिकन मैक्रोनी ये मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत मज़े की बनी है। तो आप मेरी सारी वीडियो देखिए, वीडियो जो है हमारी ये आखिर तक देखें, आप कोई भी इसको स्किप ना करें, आपको पता चले कितनी मज़े की बनाई है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। और जो बहन भाई मेरे चैनल पे आते हैं उनसे इल्तमास है कि अगर आप वो आते हैं मेरे चैनल पे तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें, बिल्कुल फ्री है। तो बहन भाई, आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, ये मैक्रोनी था मेरे पास और ये यखनी है। आज मैं यखनी वाली मैक्रोनी बनाऊँगी, ये चिकन की यखनी है। चिकन है मेरे पास एक पाव था, ये मैंने हड्डियों से अलग कर लिया है बॉयल करके। बंद गोभी है मेरे पास, प्याज है, ये दो प्याज थे दरमियानी साइज के, इनको इस तरह मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों इकट्ठी रखी हुई है मैंने। ये अदरक लहसुन है कुटा हुआ, नमक मिर्च और चाट मसाला, मैं और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करती। और ये है चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका। तो हमारी दो चीज़ें जो हैं बॉयल हो रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आलू और गाजर हैं, ये बॉयल हो रहे हैं। और मटर मैंने नहीं लिए, हैरी सलाह बहुत ज़्यादा महंगे थे। पानी जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया था, मैं ऐड कर देती हूँ मैक्रोनी। तीन चम्मच ऑयल ऐड कर दी है मैंने, प्याज कर दिया ऐड मैंने इसमें, ये थोड़े से फ्राई हो जाए फिर मैं अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन प्याज के साथ ये भून लेती हूँ मैं। हमारी जो है अदरक और लहसुन भुन गया है, चिकन मैंने ऐड कर दिया है, मिर्च मसाले ऐड कर देती हूँ। अब मैं ऐड कर देती हूँ बंद गोभी। अब मैं ऐड कर दूँगी यखनी। यखनी जो है ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए ये इस तरह नज़र आ रही है, ये अभी पिघल जाएगी। ये ऐड कर देती हूँ मैं इसमें गाजर और आलू, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सिरका, चिली सॉस, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड करनी है इसलिए चिली सॉस मैंने एक चम्मच की ऐड की है, और दो चम्मच सोया सॉस। यखनी थोड़ी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। यखनी काफ़ी खुश्क हो गई है तो ये मेरे पास है शिमला मिर्च और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मिक्स कर देती हूँ। ये मुझे ना ज़्यादा गली हुई नहीं अच्छी लगती, मैं ना ये थोड़ी क्रंची सी पसंद करती हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशबूदार हमारा मसाला जो है मैक्रोनी का रेडी है, तकरीबन खुश्क हो गई है यखनी, ऐड कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बहुत खूबसूरत और मज़ेदार मैक्रोनी रेडी हो गई है। मैंने नमक जो इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि जो यखनी है उसमें भी नमक था और जब मैंने बॉयल की है मैक्रोनी उनमें भी मैंने नमक ऐड किया था। अभी मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, बंद कर देती हूँ थोड़ी देर में, फिर डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहन और भाइयों, हमारे बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत लवली यमी हमारी बहुत मज़ेदार यखनी वाली मैक्रोनी रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी है, इतनी मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे भाइयों आप ज़रूर बनाएं, खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।